हमारे लैंडलॉर्ड एक दिन ऊपर आए, पता नहीं कब चले थे नीचे से। हाँ के बोलते बेटा एक रिक्वेस्ट थी, मैं कहा लेते तो नहीं है पर बताओ क्या हुआ। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। मैं कहा अंकल ये चेहरा आपको कहाँ से जिम्मेदार लग रहा है और किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। मैं कहा धक्का दूं के चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते, हमारी रात को 12 बजे जाती है मौत। अगले दिन पुनर्जन्म, उठे तो उठे नहीं उठे तो चल बसे। ऐसे बीच में नहीं उठते हम। करण नहीं बेटा समझा करो, हम बुजुर्ग हैं। मैं कहा हमने थोड़ी किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो खैर मोटर तो पता है ना सबको, आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है। तो खैर हम ये मोटर चलाने का टास्क ना लेने नहीं वाले थे, पर ये भाई को ज्यादा फील में था। कह रहा भाई ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहा प्लीज इलैबोरेट। कह रहा देख अगले साल से तो ट्रेनिंग पर जल्दी उठना ही है। तुम देख रहे हो किस लेवल तक सेलेक्ट हो चुके थे, हम ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे, बस यूपीएससी को नहीं बता रहे बात को जाके। मैं कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। कह रहा बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एज यू से ऑफिसर, हमने ही टास्क ले लिया। तो 3-4 दिन तो मलाम लगा के सोए, हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है, अलार्म हमें नहीं बता पाया कि वो बजता है। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की, ना तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब टंकी भर जाती तो एक आंटी की आवाज नहीं आती, पानी की टंकी भर गई है, हमने वही अलार्म टोन लगा ली। हम सो रहे सुबह वो बजा अलार्म की, पानी की टंकी भर गई है, हमने कहा वाह खुद ही भर गई है। मिरेकल बोल के सो जा रहे हैं। फिर हमें लगा एक मुर्गा पाल लेते हैं। हमने कहा वो तो 4 बजे उठा देगा, 6:30 तक क्या करेंगे, पता चला उसे ही बना के खा गए 2.5 घंटे में। फिर अगली बार से क्या बजेगा? फिर किसी ने आइडिया दिया एक काम करो तुम 6:30 तक पी लो। हमने कहा ये भी तो कर सकते हैं। तो हम अगले दिन 6:30 तक पिए, मोटर चला के सो गए। देखो हमारी गलती नहीं है, हमें जितना बताया जाता उतना ही करते हैं, हम पुलिस वाले हैं हम। जब तक हम उठे हमारा मोहल्ला डूब चुका था, हम बैलकनी में आए तो मोमोज तैर रहे में घर ऊपर आ गए। फिर अंकल ने बोला बेटा बंद भी करनी होती है। मैं कहा आप ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो आप। हाँ ये फालतू की बात है। अब तो हमने चलो कर दिया, बंद करना ज्यादा टफ था ना। एक तो आप देखो 6:30 तक पियो इनकी वजह से, ठीक रॉयल स्टैग वैसे पीते थे उस टाइम। हाँ जिन्हें नहीं पता बहुत महंगी दारू आती है, प्रीमियम क्वालिटी का फिनाइल बेंच। बाकी दारू लीवर खराब करती है, वो ले जाती है अपने साथ। वो पी पा के सुबह 6:30 बजे तक मौत की आगोश में जा चुके हैं। अब 2 सेलेक्टेड ऑफिसर्स मोटर का स्विच ऑन करके ड्यूटी पे स्विच बोर्ड देख रहे हैं। दिमाग में टंकी बन जाती थी इतनी भर गई होगी, इतनी तो भर गई होगी, देखा तेरी कितनी भरी, तू नहाएगा नहीं ना भाड़ में जाए। ये कर करा के हम जैसे तैसे 7 बजे तक सोते थे भाई। 5 मिनट बाद ही हमारी मेड आ जाती थी। मैंने उससे इरिटेटिंग और हती देखी जिंदगी यार सच्ची। मैंने उन्हें पहली बार ही समझ जाना चाहिए था, वैसे तो मुझे मेरी गलती है। मैंने उन्हें पहली बार कॉल किया, मैंने कहा आंटी वो मेड के लिए बात करनी थी। कहती मैं पार्क के पास पीली साड़ी में हूँ, मुझे ढूंढ लो।